2014 के बाद तो इतनी मतलब पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई हैं और कोशिश की जा रही है कि संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाए और उसमें जितने भी हम लोगों के जो राइट्स हैं उसको पूरी तरीके से ये कहा जाए कि उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके और हमें आज से करीब 50-60 साल पीछे 100 साल पीछे धकेलने की जो कोशिश की जा रही है। मनुवादी व्यवस्था में धकेल दें समाज को, देश को और गरीब तबके को वहीं खींच के फेंक दें और फिर उससे गुलामी और वही करवाएं जैसे बेगारी करवाते थे। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंडिया गेट पे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं यहां पे और जनसंख्या पूरा जन सैलाब यहां पे आप देख सकते हैं। जय भीम के नारों के साथ आए हैं, संविधान को हाथ में लेके आए हैं ये लोग, संविधान दिवस रैली निकाल रहे हैं ये लोग। कल संविधान दिवस है लेकिन आज ये लोग रैली निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीला झंडा लेके आए हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, जो बाबा साहब का संविधान है उसको बचाने के लिए लोग रैली निकाल रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे सर ये जो रैली निकाली जा रही है आज की? हम संविधान बचाओ यात्रा के उसमें समझ में निकले हैं और सभी लोग आए हैं, सभी देश से वासियों के बहुत बहुत दूर से आए लोग और हम भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से हम आए हैं और हम चाहते हैं कि संविधान सुरक्षित रहे और संविधान बचाया जाए और संविधान में जो बदलने की बात करते वो भी संविधान से ही सुरक्षित है। हमारे देश में ऐसा देश अपना है जो संविधान सबको सुरक्षा देता है, उसी संविधान से वो भी सुरक्षित है। ये मत समझे वो लोग कि सुरक्षित नहीं है, तो वो भी अगर सुरक्षित है तो वो संविधान की देन है, वो सुरक्षित हैं। जो ऐसी उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, वो हमेशा याद रखें, अपने लोगों को बताएं कि संविधान ही उनकी सुरक्षा में कामयाब है। अगर संविधान नहीं होता तो वो भी सुरक्षित नहीं होते। सर बताइए किस तरीके से संविधान खतरे में है जो आपको रैली निकालने की ज़रूरत पड़ गई? मैडम अभी 2014 के बाद तो इतनी मतलब पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई हैं और कोशिश की जा रही है कि संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाए और उसमें जितने भी हम लोगों के जो राइट्स हैं उसको पूरी तरीके से ये कहा जाए कि उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके और हमें आज से करीब 50-60 साल पीछे 100 साल पीछे धकेलने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए केवल संविधान ही है जो अगर जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा तो हमारे अधिकार जितने भी मिले हुए हैं संवैधानिक अधिकार वो अधिकार जो है हमारे सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा जो है हमारी पीढ़ियों को आगे जा करके बहुत ज़्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। क्या संविधान को बदलना इतना आसान है? संविधान को बदलना कैसे आसान है? संविधान बनाने में तो इतनी मेहनत और बाबा साहब ने कितना मतलब कष्ट उठाया तब तो बना पाया, और इन लोग बदल देंगे कैसे? बदल देंगे किस हालत में? बदलेंगे क्या देंगे बदल के समाज को? आप लोग तो रैली निकाल रहे हैं संविधान बचाव के लिए, क्यों नहीं बचाएंगे? बचाएंगे, बढ़ चढ़ के बचाएंगे, पूरे देशवासियों से कहेंगे कि आओ और संविधान बचाएं, और बचाने की ज़रूरत है और संविधान में जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं। अगर संविधान ना होता तो हम लोग कोई सुरक्षित नहीं होते। ठीक, ये लोग चाहते हैं कि वही मनुवादी व्यवस्था में धकेल दें समाज को, देश को और गरीब तबके को वहीं खींच के फेंक दें और फिर उससे गुलामी और वही करवाएं जैसे बेगारी करवाते थे, वो अब हम नहीं होने देंगे, संविधान बचाएंगे। सभी लोग से आह्वान है, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ऐसी जहाँ कहीं प्रोग्राम हो जरूर आएं और अपनी बात रखें और संविधान का सहयोग करें, संविधान बचाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं, पूरी जनसंख्या आप देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। सर क्या कहेंगे, संविधान बचाने की ज़रूरत पड़ गई जो आप रैली निकाल रहे हैं पूरा इंडिया गेट से? हाँ, जिस जो बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ था बाबा साहब का, तो उसमें अभी तक भी इतने सालों के बाद भी अभी तक जो हक अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए थे वो अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं, तो इसलिए संविधान रैली निकाल रहे हैं और इसके लिए ना हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं जो हमें मिलने चाहिए। लेकिन भाजपा के सरकार के हाथों में है तो संविधान तो सुरक्षित ही होगा ना? नहीं, इससे पहले तो सरकार कोई भी आई हो सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमारे हक अधिकार कांग्रेस सरकार में या भाजपा सरकार में किसी भी सरकार में होते तो हमें इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो इसलिए जो है ना सरकार का काम है कि हमारे हक जो हमें संविधान में हक अधिकार दिए उसके बारे में सोचे ताकि हमें इस चीज़ की जरूरत ना पड़े। तो हमारे जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही जो है कारवा बढ़ता जाएगा बाबा साहब का। बाबा साहब के बच्चे अब रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान देके एक मैसेज दिया था कि इसको अगर आगे ना बढ़ा सको तो इसको पीछे भी मत जाने देना। तो सरकार की मंशा यही रही है कि इसको संविधान को पूरा ना करने के कारण आज संविधान बचाने की नौबत आ गई। जिस तरीके से संविधान बदलने की बात हो रही है, क्या लग रहा है इतना आसान है संविधान को बदल देना? देखिए नींव अगर हटा दोगे तो जितनी बड़ी बिल्डिंग हो भर भर आगे गिर जाएगी, है ना। तो अगर कोई इसको कह रहा है कि संविधान बदलने की उतनी क्षमता अगर उनमें है, इतना दिमाग है जो बदलना चाहते हैं, पहले उन्हें अपना उस महामानव के बराबर करना होगा, ठीक है। उसके बाद वो सोचेंगे कि संविधान को क्या करना है, पहले उतना दिमाग तो लाओ, उसके बराबर तो लाओ, फिर सोचना संविधान। तुम बनी बनाई खीर में चम्मच मार रहे हो, कह रहे हो नहीं पसंद नहीं है, तुम बना के देखो अब तक तुमने बनाया क्या है, तुमने शोषण के अलावा किया क्या है, बना के देखो। ये संविधान मेरे हाथ में है, ये प्रमाण है उस महामानव का, बुद्धि का। जब ये संविधान बनाया गया था इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो संविधान बनाने लायक हो। जब बाहर देशों में घूम रहे थे, जब ये लोग बाहर देश में घूम रहे थे तो क्या था जवाब, क्या मिला कि तुम्हारा महामानव महापुरुष बाबा साहब, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं बापू, और नेहरू को चाचा, तो सबका बाप कौन हुआ बाबा, तो वो बाबा ही थे जिन्होंने ये संविधान बनाया, उन्हीं को हाथ जोड़े कि हमारा संविधान बनाओ। जो इतनी सारी रैलियां निकाली जा रही हैं संविधान बचाने के लिए, क्या आपको लग रहा है सच में संविधान खतरे में आ गया है अब? ये जागृति है, अगर हमें अपने अधिकारों को नहीं पता तो दूसरा हमारा हनन करेगा, सही है। अब ये अंबेडकर साहब की भूमि है, अस्पताल है, इसमें मेरा सारा जीवन है, सुबह से लास्ट पल सवे तक मेरा जीवन इससे संबंधित है। और मेरे को अगर ये घूट करके मैं पी लेता हूँ, जैसे रामायण पी लेता हूँ, महाभारत पी लेता हूँ, कंठस्थ कर देता हूँ, अगर ये संविधान मेरा कंठस्थ हो जाता है तो मुझे कोई भी किसी देश का भी, अपने देश के भी कितना महापंडित हो, हरा नहीं सकता, समझे। तो इसलिए मेरा संविधान ही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन का सारा सारी मेरा जो ये संविधान है सबके लिए, सबको फायदा देता है। ऐसा पेड़ है जिसने सबको छाया, फल, सुरक्षा दी हुई है, ठीक है। जय भीम, नवोदय। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, आप यहाँ पे जनसंख्या देख सकते हैं, और हमने इन्हीं लोगों से बातचीत करी, कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसी को लेके ये लोग मार्च निकाल रहे हैं, पूरा यहाँ से इंडिया गेट तक जाएंगे कह रहे हैं। और मार्च निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, संविधान इतना ज्यादा खतरे में आ गया है सर? सर क्या कहेंगे इस मार्च के बारे में, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? देखिए पूरे देश से लोग आए हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन ने आह्वान किया था जो 25 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा विज्ञान भवन में, और उससे पहले राजपथ से जो हमारा इंडिया गेट है वहाँ से रैली निकाली जाएगी, संविधान यात्रा जो विज्ञान भवन तक जाएगी, और विज्ञान भवन में 11 बजे हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उसके मुख्य अतिथि होंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उससे पहले पूरे देश से जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं जो इस महासंघ का हिस्सा हैं वो सारे लोग आज पूरे देश से एकत्रित हुए हैं सम्मान संविधान के प्रति श्रद्धा अपनी निष्ठा जाहिर करने के लिए, और संविधान भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत लागू हो, ईमानदारी से लागू करवाने के लिए आज हमने ये संकल्प यात्रा और संविधान यात्रा का आयोजन किया है।